मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को बीते 8 महीने से पगार नहीं मिल रही। लंबे समय से पगार नहीं मिलने की वजह से सहायक प्रोफेसर परवेज अख्तर गंभीर बीमारी की गिरफ्त में आ गए। उन्हें बोन मैरो कैंसर मायलोमा है। आलम यह है कि यह आफत ऐसे समय में आई है जब उन्हें बीते 8 महीने से यूनिवर्सिटी की ओर से पगार के नाम पर एक ढेला भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में बीमारी को हराना परवेज अख्तर के लिए चुनौती बन गई। अचरज की बात है कि प्रोफेसर अख्तर ने यूनिवर्सिटी से खुद के इलाज के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड बतौर लोन की है, जो अब तक स्वीकृत नहीं हुई। जी हां, आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के इस रवैये से प्रोफेसर अख्तर दुखी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को लिखा है कि यदि पैसे की कमी की वजह से हमारे साथ अनहोनी हुई तो हमारा परिवार 100 करोड़ रुपये वसूलेगा। यह संदेश उन्होंने कमिश्नर को भी भेजा है। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर ली। प्रोफेसर अख्तर का कहना है कि वह संयुक्त परिवार के अकेले मुखिया हैं। उन्होंने बताया कि टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता ने इलाज के खर्च का ब्यौरा दिया है। सेंटर के अनुसार 5 लाख रुपए कीमोथेरेपी और 10 लाख रुपए ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर पर जीत हौसले से होती है। यदि हमें खर्च में कोई कमी आई तो तय है कि हमारा हौसला टूटेगा और हम कमज़ोर पड़ेंगे और फिर कुछ भी हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी बुरा हुआ तो हमारा परिवार यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलेगा, क्योंकि एक जीवन की कीमत 100 करोड़ तो है ही। बीते 8 महीने से यूनिवर्सिटी की ओर से वेतन नहीं दिए जाने के कारण यूनिवर्सिटी के सभी बड़े पदों पर प्रभारियों का होना है। स्थानीय तौर पर एक भी बड़े पद पर अधिकारी का काम नहीं हो पा रहा। इसके पीछे की वजह वह है कि 8 माह पूर्व AMU के कुलपति करोड़ों रुपए के घोटाले में फंस चुके हैं। तमाम तरह की जांच यूनिवर्सिटी से लेकर निगरानी की ओर से की जा रही है। ऐसे में कोई भी अधिकारी बड़ी जिम्मेदारी लेने से दूर भाग रहा है। नतीजतन यूनिवर्सिटी के सभी बड़े छोटे शिक्षकों की पगार 8 महीने से ठंडे बस्ते में पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।